आए वाह, देश की मीडिया जाग गई, नींद खुल गई, भेदभाव हो रहा है। वाह 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 वाह, जो मंदिर कहा जाता है शिक्षा का मंदिर, वो इन स्कूलों में नफरत फैल गई। प्रधानमंत्री कह रहे ऑल इज वेल है मणिपुर, और उसके अगले दिन ही 3 लोगों की हत्या हो जाती है। क्या मजाक है इस देश में। मोदी 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 तोते हो तो मोदी, क्योंकि 6500 करोड़ का जो पैकेज मिला है उसी का नशा है। अरे भाई, कौन सी पूजा है कि मतलब नमाज होगी तभी करनी है? मुसलमान हो गए हो क्या? जितने भी राइट, जितने भी अंधभक्त हैं गोबर खा के, वो मुसलमान है क्या कि जब नमाज का टाइम होगा तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं? झूला झूला रहे थे 17 में शी जिनपिंग को, अब आज उसने इनको झूला झूला दिया कि बहन बेटी घुमाई जा रही है, प्रधानमंत्री जी जाके मन की बात करके चले जा रहे हैं। नफरत खत्म, भारतीय जनता पार्टी खत्म, कि मीडिया वालों की बेहोशी कब दूर होगी। पंडित जी, अभी आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुजफ्फरनगर का वीडियो बताया जा रहा है, एक लेडीज टीचर है जो एक बच्चे को चाटा मरवा रही है बाकी बच्चों से, और ये बोल रही है कि सर ये मुसलमान इसे मारो, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, जिस प्रकार से इस देश में नफरत की दीवार बढ़ती जा रही है, मैं लगातार इस बात को आज से नहीं जब से मैं बोल रहा हूँ, एक बात तो हमेशा मैंने कहा है कि मीडिया वालों की बेहोशी कब दूर होगी। आज मीडिया वाले इकट्ठा हुए हैं बेताबले होकर, कोई कह रहा है आदमी हो, कोई कह रहा औरत हो, कोई कह रहा पागल हो, कोई कह रहा दीवाने हो, उनको खुद ही नहीं पता है। तो इनके लिए एम्स बनवाया गया है, दरभंगा पहले एम्स जाओ, वहाँ अपना इलाज कराओ, उसके बाद तुम्हें दिखेगा कि इस देश में नफरत कितनी है। पहले बच्चों पर, पहले टारगेट थे बड़े, रोड पर लिंचिंग होती थी, पहलू का 1 लाख, कहीं दलित भाइयों की लिंचिंग होती थी, कहीं पंडित मारा जाता था। अब जो मंदिर कहा जाता है शिक्षा का मंदिर, वो इन स्कूलों में नफरत फैल गई, और इसलिए कि वो शख्स मुसलमान है, उसको खड़ा किया गया, उसको पीटा गया, और उस सीट पे बैठी एक महिला टीचर है जिसको टीचर कहलाने का हक नहीं है, वो एक माँ भी है, एक महिला भी है, जिनको नारियों को हम देवियों की तरह पूजाते हैं। कोई भी देवी भवानी का रूप, कोई भी महिला इस तरह की हरकतों को नहीं कर सकती, ना करवा सकती है। अब कहा जाता है कि विकलांग है, अब कहा जाता है विकलांग है, तो क्या वो खुद दो रापट नहीं मार सकती थी, दो चाटे नहीं मार सकती थी? और जिस पत्रकार ने राजस्थान का नाम लिया, उसमें उस टीचर की नौकरी भी गई है, मुआवजा भी मिला है, और उसमें भी मैंने बोला था ये नफरत जो हो कहीं भी हो, चाहे कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, समाजवादी में हो, आप राजनीति बच्चों के स्कूलों में क्यों कर सकते हो? अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का में हुआ था मामला, एक बच्चा नमाज, कुछ बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए गए, ट्रेन में हादसा देखा, एक मुसलमान बुजुर्ग नमाज पढ़ रहा है, तो आप जय, अरे भाई कौन सी पूजा है कि मतलब नमाज होगी तभी करनी है? मुसलमान हो गए हो क्या बेशर्मो? जितने भी राइट, जितने भी अंधभक्त हैं गोबर खा के, वो मुसलमान है क्या कि जब नमाज का टाइम होगा तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं? आप मुसलमानों को बेशर्मो बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं बेशर्मो मुसलमान हो गए हो क्या, अंधे हो क्या, इलाज नहीं करवाया क्या दरभंगा जाकर? आप यही बोल रहे हैं? नहीं, तुम बताओ, तुम लोग अभी आए किस लिए हो मेरे पास, किस लिए आए हो कि वहाँ बच्चे को पीटा गया और फिर हमने सवाल फालतू करने लग गए? फालतू मत घुमाना, नहीं दरभंगा भेजेंगे इलाज करवाने के लिए, बीओसी आ जाएगी। दिल्ली नहीं, दरभंगा चले जाओ ना, बनाया तुम्हारे, तुम ही लोगों के लिए बनाया है, पत्रकारों को भी कुछ नहीं दिखता है और एम्स भी नहीं दिखता है, तो तुम लोगों के लिए वही जगह ठीक है। मैं कह रहा हूँ बेशर्मो बेशर्म हो गए हो क्या, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप मुसलमान धर्म को फॉलो कर रहे हो क्या? सनातन धर्म है ना हमारा, जब मुसलमान को नमाज पढ़ देते हो क्योंकि तुमको हनुमान चालीसा से किया जाती है, जब तुमको कुछ, तो मेरे कहने का मतलब है आप अपने नियम कानून ना बदलो, अब आने वाली नस्लों पे, आने वाली नस्लों पे आप जहर जो बो रहे हो, क्या लगता है आपको कि वो आपको छोड़ेंगे? एक तो होता है जॉम्बी बना देना, शैतान बना देना, नफरत भर देना, आग लगा देना। अरे मणिपुर में 15 साल का बच्चा 45 साल की महिला का रेप करता है, इससे घृणित भारत कोई है? तो महिलाओं को खुला घुमाया गया, इससे घृणित कोई भारत है? प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं, पूरा विश्व में चर्चा हुई, न्यूयॉर्क में चर्चा हुई, जापान में चर्चा, हर जगह चर्चा हुई, प्रधानमंत्री कर रहे ऑल इज वेल है मणिपुर, और उसके अगले दिन ही 3 लोगों की हत्या हो जाती है। क्या मजाक है इस देश में, और कैसे बात आप लोग सुन लेते हो? इसीलिए हम कह रहे हैं आप लोग जाओ अपना इलाज कराओ, बेहोश हो गए हो, फिर वहां से आओ, और नहीं तो और सवाल यही है, करें मालिक को फोन, भेजे नौकरी तुम्हारे बाहर, ये धमकी दी जाती है। सुधीर कुमार ने कहा अगर टमाटर महंगा था तो आपके घर में इसकी चर्चा हुई, आप भी तो जेल गए थे, ये कौन सा जवाब था?
एक मंत्री तुम लोगों को डराती हैं, खुद की तो औकात आज तुम्हारी जो है 2 रुपए की नहीं छोड़ी भाजपा वालों ने, अब हमसे सवाल कर लेते हो, बड़े खुशकिस्मत हो ना। इतनी देर में तो कपड़े उतार के हम तुमको डलवाते यूट्यूबरों को वहाँ पे जेल में, और खाली अंडरवेयर में बैठाते। 11 पत्रकारों को अंडरवेयर में बैठाया गया था ना। अरे पंडित जी बात सुनो। हाँ सुनाओ। क्या शिक्षा के मंदिर में भी भेदभाव होने लगा है? आए वाह, देश की मीडिया जाग गई, नींद खुल गई, भेदभाव हो रहा है। वाह 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 वाह, चलो माना तो भेदभाव हो रहा, बहुत हो रहा, और इतना हो रहा है ना, और इसीलिए ये जोड़ी मेट्रो से साथ होके आई है और अभी मेट्रो से साथ तक जाएगी। हम नफरतियों को ऐसे जवाब देते हैं, हमारी भी लिंचिंग हो सकती है, इनकी भी लिंचिंग हो सकती है, पर हम डरेंगे नहीं। अगर हमारी मौत भी इस वक्त मुझे आती है तो हमें लगेगा कि हमने देश की एकता, अमन, शांति के लिए अपनी जान दोनों ने दे दी। हमें फिक्र नहीं है, हम संगीन अमर्द नहीं है और ना पत्रकार हैं। मोदी 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 मोदी, सोते हो तो मोदी, क्योंकि 6500 करोड़ का जो पैकेज मिला है उसी का नशा है, उसी का नशा है, सबको सबको नशा है, इन पत्रकारों को, उन्हीं पैसों का। आपको किसका नशा है? हाँ मुसलमानों का नशा, मुसलमान हो गए हैं। कौन? हम। कमेंट आ रहे हैं कि आप मुस्लिम के... तुम जब पैदा हुए थे तुम बताओ तुमको तो कब मालूम चला कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो? सही जवाब दे के जाना आज। लेकिन तुम बताओ तुम्हें कै साल मालूम चला कि तुम हिंदू पैदा हुए मुसलमान पैदा हुए हो? आप जो है हिंदू विरोधी। जब तुम पैदा हुए थे तुमको यही नहीं पता कि तुम चारपाई में हो, धरती में पैदा हुए हो, पेड़ में अटके हो? आप निजी, तुमको यही नहीं पता? निजी जवाब ज्यादा देने लगते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं देंगे? ओ बेशर्मो, ओ बेशर्मो, निजी सुनो, बेशर्मो निजी सुनो, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। अरे जवाब नहीं है आपके पास, रुके रुक, चिल्ला लिए जान देना। आप सुनो, ओ मर्यादा, अभी भूषण ने माइक फेंक दिया निकाल के, तब मर्यादा याद नहीं आई? मंत्रियों के तलवे चाटने वालों तुमने दिमाग मत खराब करो। कर दिए वो चैनल उसके पास नहीं जाता जिसका माइक फेंक दिया। और सुनो, तो बर्खास्त कर दिए तो बड़ा काम कर लिए क्या? कुछ कर लिए? जेल गया, जेल गया बेशर्मो, उसके उसकी वजह से तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, कुछ कर लिए? मेरी बात सुनो, आज इस तरह से तुम लोग एक साथ उठ के यहाँ बैठ के हमसे कह रहे हो, मैं कोई कह रहा मुसलमान बन गया, कोई कह रहा कुछ कर रहा, तुमको हमसे मतलब है कि देश से मतलब है? प्रधानमंत्री जी जाते हैं मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह करते हैं, एक बार भी मुंह में आवाज़ नहीं निकलती। कुआ मारते हैं क्या तुम लोग के मुंह पे कि हो जाता है मुंह का? बोलो, जब जब इस देश में नफरत आती है तो चले आते हो, अरे भाई पंडित जी ये हो गया, तो खुद इतने बेअकल हो क्या कि नहीं मानते हो कि सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री भाजपा का है, शिक्षा मंत्री भाजपा का है, कर कौन रहा है, कौन कर रहा है इस तरह की हरकत? लेकिन ये खुद जॉम्बी बने हुए हैं नफरत के। अच्छा मतलब कोई जॉम्बी है नफरत वाले? कोई मुजफ्फरनगर में बैठ के टीचर ये कर रहा है तो आप गलती बता रहे प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की और शिक्षा मंत्री की। लेकिन अगर चंद्रयान वहाँ पे चला गया चंद्रमा, तो उसमें आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री को? एक चीज बताओ, चंद्रयान की क्रेडिट आज तक देश के पिछले कितने प्रधानमंत्रियों ने लिया है? किसने नहीं लिया? चंद्रयान क्रेडिट वहाँ के वैज्ञानिकों की और साइंटिस्टों की है। और मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अभी मैं तुमको जवाब दूँ, तुम्हारे पिताजी ने मकान बनवाया होगा तो एग्जाम्पल भी नहीं पा रहे हो, भाग क्यों रहे हो? दूसरा बताइए ना, क्यों नहीं ले रहे? देश के वैज्ञानिकों ने एग्जाम्पल दे दिया, देश के वैज्ञानिकों ने एग्जाम्पल दे दिया कि ये हमारे पूर्वजों का किया हुआ है, जो आज हम चंद्रयान को थर्ड को ऊपर ले गए, सेकंड तो वापस ही नहीं आया। समझ में नहीं आएगा, ये बहरे होंगे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा, नशे में, सेकंड तो वापस ही नहीं आया। जब इनके पिताजी ने मजाक मकान बनवाया है तभी ये बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, मकान किसी और ने बनवाया के इनको दे दो। इसरो चीफ मोदी जी के सीना से लिपट कर रो रहे हैं भैया। इस वक्त जब जब इसरो की स्थापना हुई थी ना, तो तुम लोग नहीं रोए होगे उतना जितने पिछले वक्त उसकी स्थापना की गई थी। और आज ये मीडिया जो करने चली आई है इसरो के लिए, अभी जो पत्रकार बोला इसरो होती है, पाप अपने पिताजी से पूछो किसको दे पड़े हैं, कांग्रेस के आदमी आए हैं इसरो। बीके न्यूज़ नहीं, बीके न्यूज़ पे केस करो, करो बीके न्यूज़ पे केस। थ्री की बात हो रही है? अच्छा अच्छा, छिंदराज थ्री की। अरे मैंने कहा ना नशे में है सब लोग, सबको दरभंगा भेजो, दरभंगा एम्स में जाओ, किसी में नहीं, इसरो का 70% बजट कम कर दिया, फिर भी चंद्रयान थ्री। अरे 17 महीने तनख्वाह नहीं मिली दरभंगा, 17 महीने तनख्वाह नहीं मिली है, 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, किस बात की बात करते हो? लेकिन इनको दिन की हो चुकी। पर आज पूरी इसरो के वैज्ञानिक बैठे हुए थे, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका से आकर मोदी जी गए वहां पे भाषण देने, सबके सब खुश लग रहे थे उन्होंने। अच्छा कौन सा प्रधानमंत्री नहीं जाएगा? अरे आप वैज्ञानिकों की बात करिए ना, करने आए हो क्या? हम किस में क्या
अफ्रीका में गोबैक कैनाल दिखाया बोला बेशर्मो बोला अफ्रीका में पीछे खड़े हुए हैं विश्व गुरु बताते हैं पीछे खड़े हुए हैं और वहाँ भी चंद्रयान में चाइना याद आ रहा है उनको इनके इतने है कि जैसे ये वैसे नमूने हैं वैसे भाजपा के नमूने हैं उनको चंद्रयान के चाइना याद आ रहा है चाइना याद आ रहा है चाइना वाला आपने भाषण देखा है ना चाइना वाले में वहाँ पे लेने आया वहाँ का राष्ट्रपति उनको अच्छा और चाइना के राष्ट्रपति कैसे गए आपने देखा लद्दाख में राहुल गांधी ने घुस के वहाँ के अंदर से पूछ बता दिया कि घुसपैठ हुई है अंधो धृतराष्ट्र बेशर्मो वहाँ घुसपैठ हुई उस पर नहीं बोल पाएंगे झूला झूला रहे थे 17 में शी जिनपिंग को आवाज उसने इनको झूला झूला दिया याद रखना वो दिन अभी जंतर मंतर भगाएगा धमकी दे रहे अभी जंतर अभी भगा दिया गया आपका धमकी देंगे तुम्हारे खुद ही भगा दिए जाते हो जब भगा दिया गया परसों की एक वीडियो है आपके लोगों के यूट्यूबर ने चलाई है अरे मेरी बात सुनो सेंसिटिव मामला के उन्होंने क्या कहा उस बच्चे ने उत्तर प्रदेश वाले ने क्या कहा कि जितना जुल्म कर रहे हो उसकी बर्दाश्त भी रखना ये बुलडोजर प्रोजेक्ट 24 के बाद भी बंद राहुल जी भी बंद नहीं करेंगे नहीं 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 जैसे तुम्हारा मोदी सरकार का प्यार है वाला वो वाला यहाँ नहीं है पैसा वाला नहीं है अली खाते हो मोदी से आओ मोदी जी दे दो और 24 घंटा मोदी इन बेशर्मों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहन बेटी घुमाई जा रही है प्रधानमंत्री जी जाके मन की बात करके चले जा रहे हैं इन दिनों को ये नहीं पता है 36 सेकंड का भगवा और टोपी का जो गेम है कांग्रेस से कितना पैसा लिया है इसका ये भगवा टोपी का ही गेम था जो 1947 में देश को आजाद करा लिया तुम बताओ दरभंगा में झूठा एम्स फैलाने के लिए कितना पैसा लिए मोदी वालों से वहाँ गए थे तो देखा ये लोग गए वहाँ एम्स बना है बड़ी सी बिल्डिंग बनी होगी वहाँ गए तो गुल्ली डंडा खेल रहे थे पत्रकार आपको ये नहीं पता गुल्ली डंडा खेल रहे पानी भरा हुआ है कहाँ पानी भरा हुआ पता पानी भर गया सत्यानाश हो गया नहीं हुआ डूब गया तभी अच्छा तभी अंध भक्तों को पत्रकारों को नेहरू जी ने बंद करके चाबी लेके भाग गए तभी लोग परेशान है बेहोश हो गए हैं लोग मैं आज एक लास्ट में एक बात जनता से अपील करना चाहता हूँ दोनों लोग भाई लोग अपील करेंगे हाथ जोड़िए कि हम अपने बच्चों को हम कसम खाएं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी हो हिंदू मुसलमान से दूर रख के अपनी शिक्षा अपनी भक्ति ज़ॉम्बी भी ना बनने दें आप अपने मैं बताता हूँ आप अपने बच्चों को रामायण पढ़ाइए गीता पढ़ाइए हर चीज़ पढ़ाइए और फिर आपका बच्चा अगर इस तरह की नफरत के लिए अगर आगे बढ़े तो मैं आपसे गुनहगार हूँ आप इस देश के बच्चों को कभी भी नफरत की ओर ना बढ़ाएं ऐसे किसी भी स्कूल टीचर का सपोर्ट ना करें ऐसे किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का सपोर्ट ना करे जो हिंसा फैलाए और जो बच्चों में नफरत फैलाए कोई भी शास्त्र और कोई भी शास्त्र का धर्मगुरु नफरत नहीं सिखाता चाहे आप गीता को पढ़ लीजिएगा रामायण को पढ़ लीजिएगा कुरान को पढ़ लीजिएगा बाइबल को पढ़ लीजिएगा किसी भी शास्त्र में नफरत नहीं है और किसी भी शास्त्र में किसी भी धर्मगुरु ने नफरत नहीं सिखाई है ये सिर्फ राजनीति है और ये शरारती तत्व हैं जो नफरत सिखा रहे हैं और आप लोगों को हमें पता है कि बर्नौल लगेगा आप लोगों को जाते हैं आप लोग बर्नौल लगाओगे जल रही होगी दोनों मुसलमान हिंदू को देखकर तो बर्नौल लगा लेना ये जोड़ी ना कभी खत्म हुई है और यही हिंदुस्तान है हम लोग के बारे में बोल रहे हैं या फिर व्यूअर के बारे में नहीं आपके लिए बर्नौल लगाने के लिए बोल रहे हैं तो आप लोग बर्नौल लगा के दादाजी मोदी जी की आज मुसलमान हिंदू एक साथ होकर खड़े हैं और इसीलिए हम लोगों ने इंटरव्यू किया सॉरी यही जोड़ी 24 में परिवर्तन का काम करेगी और यही जोड़ी भारतीय जनता पार्टी की नफरत को खत्म करेगी और बार बार ये जोड़ी कहती है कि नफरत खत्म भारतीय जनता पार्टी खत्म। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें।